हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल व्रत में खाने वाली सिंघाड़े के आटे की रोटी और साथ में चटपटी आलू की सब्जी बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉयल्ड पोटैटो लेंगे और इसको हाथ से मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश करने के बाद सिंघाड़े का आटा इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें चॉप्ड कोरिएंडर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पानी के साथ इसे गूंद लेंगे। स्टार्टिंग में बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेंगे बिकॉज़ इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाता। बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी के साथ इसे गूंदेंगे। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारी रोटी नहीं बनेगी, ये आटा बहुत जल्दी ही पतला हो जाता है। इसका हम एक डो तैयार करेंगे और डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ये रोटी के लिए डो रेडी है। अब हम इसे 4-5 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम आलू की सब्ज़ी बना लेंगे। हॉट पैन में ऑयल ऐड करेंगे, इसमें क्यूमिन सीड्स डालेंगे, टोमेटोज ऐड कर देंगे, इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, ये रेड चिली पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, नमक इसमें ऐड कर देंगे, ग्रीन चिली ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन सब मसालों को 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। जब ये टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें पोटैटोज़ ऐड करेंगे। पोटैटोज़ को मैंने नाइफ से कट नहीं किया, इसको मैंने हाथ से ही मैश कर लिया है। इन सबको मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। कोरिएंडर ऐड करेंगे इसमें। सब्जी को 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे।
अगर आप चाहें तो और पानी भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमारी सब्जी रेडी है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। हम इसे रोटी के साथ सर्व करेंगे। कोरिएंडर के साथ गार्निश कर दिया मैंने। अभी हम रोटी बना लेंगे। रोटी के लिए मैंने इतना सा पेड़ा लिया है। सूखा आटा लगाएंगे। रोलिंग पिन से रोटी बना लेंगे। अब हम इसे सेक लेंगे। नॉन स्टिक पैन में या नॉन स्टिक तवे पे सेक लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब इसमें रोटी को सेक लेंगे। एक मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे इसे। इस साइड हम घी लगा देंगे। दूसरी साइड चेंज कर देंगे और इस साइड भी घी लगा देंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये हमारी रोटी रेडी है। अभी हम एक और रोटी बनाएंगे। थोड़ा घी लगा लिया और इसकी साइड चेंज करेंगे। जैसे हमने हमारी पहली रोटी को सेका था ऐसे ही इसे भी बना लेंगे। ये हमारी दोनों रोटी रेडी हैं। हम इसे चटपटी आलू की सब्ज़ी और रायते के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।